लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। इस दौरान यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राष्ट्र विरोधियों और राष्ट्रभक्तों के बीच है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादों और मोदी परिवार के बीच। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधियों, राष्ट्रभक्तों, धर्म और अधर्म तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के बीच की लड़ाई बताया है। चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 के चुनाव में विरोधियों को साफ करते हुए बीजेपी की प्रचंड जीत को सुनिश्चित करना है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को लेकर के अखिलेश यादव को चेताया भी है। उन्होंने कहा, मैं अखिलेश यादव को सावधान करना चाहता हूं, कांग्रेस भस्मासुर है, एक दिन कांग्रेस आपको बर्बाद कर देगी। भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नज़र अखिलेश यादव के मुस्लिम वोटरों पर है और कांग्रेस हमेशा से क्षेत्रीय दलों के भरोसे आगे बढ़ती रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व सांसद कौशल किशोर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण हम लोकसभा चुनाव में हारे हैं। वहीं बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी यूपी में हार का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को खत्म करने का नैरेटिव बनाया, जिसके चलते यूपी में हमारी हार हुई है। यहीं नहीं, बैठक में बीजेपी की ओर से एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये देने के नाम पर जनता को ठगा गया, इसलिए बीजेपी को चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले काफ़ी कम हो गई हैं। पार्टी को 2019 में जहां 62 सीटें मिली थी, वहीं 2024 के चुनाव में ये सीटें घटकर 33 हो गई हैं। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% घट गया है। यह वजह कि बीजेपी लगातार नतीजों की समीक्षा कर रही है। लखनऊ में जारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक में शिरकत कर रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में मुहर्रम के नाम पर सड़कें सूनी हो जाती थी, लेकिन अब मुहर्रम कैसा हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। लोहिया ने कहा था, यह भारत तब भारत है जब भगवान कृष्ण और शिव हैं, आज भारत इन्हीं का है। इसके पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने जनता को जाति और धर्म में फंसाकर गुमराह किया, अल्पसंख्यक लोगों को नए एजेंडे में फंसाकर उनका वोट लिया। हमारे लिए चुनौती है कि हम सबको उनको बेनकाब करें, हमें सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, मैं अखिलेश यादव को सावधान कर रहा हूँ, उन्हें कांग्रेस से बचकर रहना चाहिए, वो भस्मासुर है, आपको जल्द ही ठिकाने लगाएंगे। कांग्रेस जहां भी जीतती है वहां दूसरे दलों के समर्थन से जीतती है, इसलिए अखिलेश को कांग्रेस से सजग रहना चाहिए। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस ने अलग अलग दलों के साथ जाकर उनका वोट लेने का प्रयास किया। कांग्रेस ने कभी दलित पिछड़ों का सम्मान नहीं किया, बस उनका वोट लेने का प्रयास किया। कांग्रेस ने अम्बेडकर का सदैव अपमान किया। कांग्रेस के नेता संविधान को लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसे पढ़ा नहीं है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान को बदलने की कोशिश की है। कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने आपातकाल लगाया, भाजपा ने सदैव संविधान की रक्षा करने की कोशिश की है। वीडियो डेस्क, kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।